भाई साहब भैया क्या लगता है बीजेपी आएगी या सपा? तुम पागल वागल हो क्या? अब यार सपा आया या बीजेपी आया ये उनकी दिक्कत है। कहाँ तुम मुझे देश विदेश की पॉलिटिक्स में उलझा रहे हो यार। अरे यार ये तो बता दो वोट किसको डाल के आए हो? ऐसे बनोगे डायरेक्टर है? अबे यूट्यूब देख कर ना तुम्हारा दिमाग एकदम हो गया गुड़गोबर। अबे कोई भी सरकार बने ये उनकी समस्या है, मगर मेरे सामने जो अभी समस्या है उसका निवारण करो तो बताऊं। समस्या ये लड़का है ना जो उन दो लड़कियों के साथ बैठा है, ये बताओ ये उनका कौन है? भैया जी हरे जैकेट वाली है ना, मुझे लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड है। आज वैलेंटाइन डे है, प्रपोज करने आया है। देखो देखो कैसे दांची आ रहा है। तुम्हें ना प्यार के बारे में कुछ पता तो है नहीं। वो दांत चार के तो उससे बात कर रहा है, मगर वो अपने मजाक के अंदाज से उस दूसरी वाली को इम्प्रेस करना चाह रहा है। वो उसे दिखाना चाह रहा है कि वो कितना हसमुख है, और अगर वो उसे चुन लेती है तो उसका जीवन कैसे हंसते खेलते बीतेगा। तो ये लड़की इसके साथ क्यों आई है? अरे यार ये तो हमारे छोटे शहरों का दुर्भाग्य है कि अगर आज भी किसी लड़की को पटाने निकलो ना तो पहले उसकी सहेली को पटाना पड़ता है, और अगर ये लड़की सेट हो गई होती तो आज वैलेंटाइन डे के दिन वो उसकी सहेली को क्यों लेके आता? अबे यार छोटे शहरों के लड़कों की जेब ना आधी तो सहेलियों को खिलाने पिलाने में खाली हो जाती है। मुझे तो लगता है भैया मामला सेट हो चुका है, नहीं तो आज ये वैलेंटाइन डे वाले दिन खुल्लम खुल्ला नहीं बैठे होते। मुझे तो लगता है सेटिंग हो चुकी है। नहीं नहीं इनकी अभी सेटिंग नहीं हुई है। वो लड़का ना उस लड़की को कोचिंग छोड़ देता होगा या फिर कॉलेज से घर ले आता होगा, मगर वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही है। वो लगा है उसकी सहेली की फील्डिंग में, उसका फोन रिचार्ज करा देता होगा या फिर कभी कभार उसके दर्जी से कपड़े ले आता होगा या फिर घर भर के काम कर देता होगा, नहीं तो फेसबुक पे फोटो पे लाइक कमेंट की भरमार करता रहता होगा इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वो अपनी सहेली से इसकी सेटिंग जरूर कराएगी। और आज तो वैसे भी वैलेंटाइन डे, इसने सोचा वो आज मौका अच्छा है, आज झंडे गाड़ूंगा। देख रहे हो आशुतोष कैसे अंग्रेजी में फटकार रहा है। सॉरी सर इसे चेंज कर दूं? Just get lost. अच्छा हमारे छोटे शहरों का ये भी दुर्भाग्य है कि लड़कों को लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों से लड़कियां जल्दी पटती हैं। अच्छा ये बताओ अब ये क्या करेगा? मुझे लगता है ये सारे वेटरों को 10-10 रुपए देगा। नहीं दरिया दिली तो ये पहले ही वेटर को 10 रुपए दे के दिखा चुका है। और सोचो। मुझे लगता है ये गाना गाएगा। गाना गाने वाला नहीं है ये, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो शक्ल देख कर बता सकता हूँ कि ये कब से इसकी फील्डिंग कर रहा है, कौन सी स्टेज पे है और इसका आगे का प्लान क्या है। अरे भैया आप ही बताओ अब आगे क्या करेगा ये? अब ना ये किसी से लड़ बैठेगा, केयर वो दिखा चुका, दरिया दिली भी दिखा चुका, अंग्रेजी में वेटर को फटकार भी दिया, अब ये कठोरता दिखाएगा। असल में जब तक लड़का लड़की को ये ना बता दे कि वो एक जानवर भी है तब तक उसे लगता ही नहीं है कि उसका इंट्रोडक्शन सही से हुआ है। संभल के रहना आशु, तुम पर भी दावा बोल सकता है। अच्छा तो मैंने कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी हैं बता दूंगा साले को? नहीं उसे पलट कर मारा तो वो लड़की की नज़र में गिर जाएगा, और प्रेम भंग करना बहुत बड़ा पाप होता है। अरे भैया किसी यारे गारे से पिटने का शोभा देता क्या? मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में तुम पिटे जैसे तो लगो पर चोट ना आए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और अगर उसके प्यार के कारण तुम्हें अगर थोड़ी बहुत चोट आ भी जाए तो तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। पर भैया वो आप पे भी तो अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं होगा, मेरा साइज देखा है, वो अपने से कमजोर आदमी ढूंढ रहा है। ताकत
क्या कर रहे हो? चलो चलो उधर। ये लोग नहीं आते ना, अधमरा कर देता उसे। अशु तुम मत देखो, मुझे ही घूरने दो। दे दिया आशुतोष, दे दिया। अरे क्या दे दिया विक्की भैया? लड़की ने अपना दिल फिर कमजोर को दे दिया। असल में लड़की बहुत विचित्र होती है, जो पिटा बैठा है उसे अपना दिल दे देती है। इसी को ही तो त्रिया चरित्र कहते हैं। देखो असल में अपनी बहादुरी के कारण मारा गया। देखो इसका चेहरा, इसके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये पिटना चाहता है, ये चाहता है कि कोई इसे पीट दे। जाओ, मैं तो कहता हूँ तुम हमेशा दूसरों का भला करते हो ना, जाओ इसके दो चाटे जमा दो। अरे भैया बिना कारण किसी को क्यों मार दें हम? अरे वैसे ही जैसे डॉक्टर अपने मरीज के शरीर पे बिना किसी दुश्मनी के चाकू और छुरी चलाता है। अरे वो बेचारा चाह रहा है कि कोई उसे पीट दे ताकि वो उस नारी की करुणा का अधिकारी बन जाए। अरे अब उसका कॉम्पिटिशन पिटने वाले से जो हो रहा है। अरे भैया तो तुम ही सूद दो ना जाके। अरे मेरे मारने से कुछ नहीं होगा, वो किसी बराबर वाले से पिटना चाहता है। जाओ मैं तो कह रहा हूं एक उपकार इसके ऊपर कर ही दो, तुम जाओ और इसके दो चाटे जमा दो। भाई प्रेमी, अगर किसी से पिटने पर तेरा बिगड़ा काम बन जाए तो मैं अपने साथी को बोल देता हूं, वो तेरी पिटाई कर देगा।